नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे खुशी गढ़वी के बायोग्राफी लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों इनका रियल नाम खुशी गढ़वी है। खुशी गढ़वी एक सोशल मीडिया स्टार और मॉडल व क्रिएटर भी है। ये अपनी शानदार एक्टिंग व अलग अंदाज के चलते चलते लोगों के बीच में काफ़ी सुर्खियों में बनी रहती है और अपनी खूबसूरती से ये लोगों को अपनी ओर मोड़ लेती है और अपनी रोमांटिक वीडियो और लाजवाब एक्सप्रेशन के चलते ये खूब लोकप्रिय हैं। और दोस्तों भारत के साथ साथ ये अन्य देशों में भी काफ़ी मशहूर हो चुकी है। दोस्तों खुशी गढ़वी का जन्म 29 अप्रैल 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों इनके पिता का नाम किशोर गढ़वी है जो कि एक बिजनेसमैन है। वहीं इनकी माताजी का नाम पुष्पा गढ़वी है, एक कुशल गृहिणी है दोस्तों ये, और इनकी दो बड़ी बहनें भी हैं। और दोस्तों अभी वर्ष 2022 तक खुशी गढ़वी की उम्र 30 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों खुशी के बॉयफ्रेंड की बात करें तो सचिन मान के साथ ये बहुत सालों से रिलेशनशिप में है दोस्तों, जिसकी खबर हमें सोशल मीडिया के अनुसार प्राप्त हुई है। दोस्तों इनके घर में इनके माँ पापा इनका फुल सपोर्ट और बहुत प्यार करते हैं इन्हें और सभी परेशानियों का साथ में सुझाव निकालते हैं। दोस्तों खुशी गढ़वी को बचपन से इनके मम्मी पापा द्वारा खूब प्यार और सपोर्ट मिलता आया है। खुशी की दो बड़ी बहनें भी हैं जिनका नाम दिव्या गढ़वी व नेहा गढ़वी है दोस्तों, और घर की छोटी बेटी होने के चलते खुशी को सभी लोग बहुत प्यार और सपोर्ट भी करते आ रहे हैं। बचपन में होने वाली सभी जरूरतों को खुशी के माँ बाप पूरा कर दिया करते थे और इनकी हर चीज और फैसिलिटी से इन्हें परिपूर्ण कर रहे थे। दोस्तों खुशी गढ़वी बचपन से ही बाकी बच्चों की तुलना में काफी अलग थी। इन्हें बचपन से ही डांस एक्टिंग में बेहद दिलचस्पी थी, साथ ही ये मॉडलिंग में काफी शौक रखती थी और टेलीविजन में देखकर ये अपनी स्किल्स को और मजबूत करते जा रही थी। और शुरुआत से ही इनका मन एक कलाकार बनने की ओर लग गया था, जिसके लिए इनके परिवार वालों ने भी खूब इनका सपोर्ट किया है। दोस्तों खुशी गढ़वी के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई की किसी प्राइवेट स्कूल से प्राप्त की है और खुशी पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थी, साथ ही अन्य गतिविधियों में भी सभी बच्चों से आगे रहा करती थी। और इन्हें डांस एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी, जिसके चलते स्कूल में हो रहे कॉम्पिटिशन में बहुत पार्टिसिपेट किया करती थी और अपने अलग अंदाज के चलते ये अपने टीचर स्टूडेंट भी पसंद बनी हुई थी। स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मुंबई के ही किसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने आगे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया और साथ ही कई मॉडलिंग शो का हिस्सा भी रही है दोस्तों, और वहाँ से इन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। दोस्तों खुशी गढ़वी अपने करियर के प्रति ध्यान देते हुए खुशी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहती थी। फिर इन्होंने आगे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और फिर कहीं मॉडलिंग का शो भी हिस्सा रही थी। उसके बाद इन्हें वर्ष 2015 में पट्टा भिक्षा नामक मूवी में लीड रोल मिला था। यहाँ इन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन ये फिल्म उतनी हिट नहीं हो पाई, जिसके बाद खुशी अपने आप को साबित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। फिर खुशी को टिकटॉक के बारे में पता चला और ये भी टिकटॉक का इस्तेमाल करने लगी और इनका भी मन टिकटॉक वीडियोज बनाने की ओर लगा। और दोस्तों खुशी गढ़वी ने वहाँ पर अपने करीबी दोस्तों के साथ शुरुआत कर दी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एक्ट्रेस को टिकटॉक पर दर्शकों द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था इनको, लेकिन दोस्तों ये अपने इंटरेस्ट के साथ काम करती रही। फिर धीरे धीरे कर इनको टिकटॉक पर काफी लोकप्रियता मिलने लगी, इनके बहुत से फॉलोवर हो चुके थे, वीडियोज वायरल भी हुई इनकी, ये बहुत से लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। फिर इनकी मुलाकात हुई एडवोकेट और रेसलर रह चुके सोशल मीडिया स्टार सचिन मान से, और फिर ये दोनों साथ साथ वीडियोज बनाने लगे और ये दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे। दोस्तों खुशी गढ़वी और सचिन मान के साथ साथ वाली वीडियो दर्शकों को काफी पसंद आने लगी। खुशी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन फिर वर्ष 2020 में टिकटॉक को इंडिया से बैन कर दिया गया और खुशी को अपने लाखों फॉलोअर्स एक झटके में खोना पड़ा। और फिर यहाँ भारत में लॉन्च हुए इंडियन शॉर्ट्स वीडियो ऐप का इस्तेमाल करने लगी और टिक्की जैसे ऐप्स पर भी बहुत खुशी को बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने लगा और ये सचिन मान के साथ वीडियोज बनाती रही। फिर इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपनी शुरुआत करी, जहाँ पर ये अपनी मॉडलिंग फोटोज अपलोड करती गई, जिन पर दर्शकों का बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा था। और इनकी इंस्टाग्राम फोटो से आप इनकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों फिर इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन आया, जिसके बाद खुशी ने वहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करते हुए टिकटॉक जैसा ही बेहतर कंटेंट देने लगी और सचिन मान के साथ वीडियोज बनाती रही। और फिर इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इनकी जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाने लगा और इनकी कपल वाली वीडियोज ट्रेंड भी होने लगी थी और दोनों ही बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जिसके चलते इनकी जोड़ी सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय है। और दोस्तों खुशी गढ़वी अपने जीवन में खूब मेहनत करके आगे बढ़ती जा रही है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। दोस्तों खुशी गढ़वी को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब ये अपने करियर के प्रति सोच रही थी, तब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आगे अपने इंटरेस्ट के साथ बढ़े या फिर बढ़ाई के साथ, फिर अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए इन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जो इनकी काबिलियत को लोगों तक पहुंचा
सके और फिर इन्होंने कई मूवी शो में ऑडिशन दिया, पर दोस्तों इन्हें रिजेक्ट ही किया गया था। लेकिन ये आगे बढ़ रही थी फिर भी दोस्तों, फिर इन्हें कुछ मूवी करने का मौका मिला था, पर वह मूवी सुपरहिट ना रहने के कारण इन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला और फिर ये बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी असफल हो रही थी। लेकिन दोस्तों ये अपने इंटरेस्ट के साथ काम करती गई और जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करके आज आगे बढ़ चुकी है और आज हम सभी के बीच एक लोकप्रिय स्टार के रूप में मौजूद है दोस्तों। बहुत सफल और लोकप्रिय भी होती जा रही है दोस्तों खुशी गढ़वी। दोस्तों खुशी गढ़वी फेसबुक व इंस्टाग्राम व ट्विटर जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करती है, जिनमें खुशी गढ़वी की बहुत फैन फॉलोइंग भी है दोस्तों। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हर जगह ये खुशी गढ़वी के नाम से फेमस है। खुशी गढ़वी के नाम से इनका यूजर आईडी है हर जगह प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म पर ये सोशल मीडिया में अपने वीडियोज और मॉडलिंग फोटोज के चलते सुर्खियों में बनी रहती है दोस्तों। और दोस्तों खुशी गढ़वी के इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग की बात करें इनकी, तो करीब 2 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों खुशी गढ़वी की मंथली इनकम की बात करें तो ये 1 महीने में करीब 3 से 5 लाख रुपए के आसपास कमाती है और 1 साल की बात करें तो ये करीब 60 लाख रुपए के आसपास कमाती है। और दोस्तों इनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 80 लाख के आसपास बताई गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी खुशी गढ़वी की बायोग्राफी लाइफस्टाइल का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।